यहां सतना से बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हुए। देखिए चुनावी माहौल, सियासी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी माहौल में दल बदल का सिलसिला तेज हो जाता है और ऐसे में सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह पर भी तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। तो एमपी चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है, तेज हो गया है। सतना से बीजेपी नेता रत्नाकर चतुर्वेदी शिवा ने इस्तीफा दिया। बीजेपी से इस्तीफा देकर बीएसपी में शामिल हो गए और सतना से बीजेपी प्रत्याशी गणेश सिंह पर भी हमला बोलते नजर आए। अगर कोई विकास पुरुष होता, कोई हमारे सतना का विकास किया होता, कोई हमारे युवाओं को रोजगार दिया होता, तो मैं निश्चित उसके लिए बिना पैसों के भी खड़ा हो जाता और उसे जिताता। लेकिन ऐसा दुराचारी सांसद जिनके ऊपर शिक्षा घोटाला, कर्मी घोटाला लगा हो, कितने घोटाले लगे, आज आप देखिए हर फैक्ट्री में उनकी माइंस है, हर जगह उनके वेयर हाउस है। जो सांसद शुरू में कहते थे कि मैं 3 एकड़ का काश्तकार हूँ, आज वो यह हल्ला कर रहे हैं कि उन्होंने हमें खरीद लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक गरीब से गरीब आदमी भी मुझे खरीद सकता है, लेकिन वह ईमानदार होना चाहिए। सांसद जी की अभी हैसियत नहीं है।